जिम्बाब्वे दौरे को छोड़ने वाले कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ी एशिया कप 2022 के लिए वापसी कर चुके हैं। टूर्नामेंट में भारत अपने पहले मुकाबले में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से 28 अगस्त को भिड़ेगा। इस मुकाबले पर सभी का निगाहें हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा पर सभी की निगाहें हैं। लेकिन पाकिस्तान के धाकड़ गेंदबाज रहे वसीम अकरम की माने तो उनकी टीम के लिए इससे बड़ा खतरा कोई और है। ब्लॉकबस्टर मैच से पहले पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम को भारतीय टीम से एक ऐसे खिलाड़ी को चुनने के लिए कहा गया जो वास्तव में पाकिस्तान को चोट पहुंचा सकता है। रोहित कोहली और केएल राहुल की टीम में मौजूदगी में अकरम ने सूर्य कुमार यादव को अपने पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक के रूप में नामित किया, यानी सूर्या को वह पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा मान रहे हैं। सूर्य कुमार ने मार्च 2021 में भारतीय टीम में डेब्यू किया और तब से भारतीय बल्लेबाजी क्रम का प्रमुख हिस्सा बन गए हैं। अकरम ने कोलकाता नाइट राइडर्स में सूर्य कुमार के साथ काम किया था। उन्होंने पुराने दौर को याद करते हुए बताया कि सूर्य कुमार के कुछ शॉट्स ने हैरान कर दिया था। उन्होंने कहा, बेशक रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली है, लेकिन इन दोनों मेरे पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक सूर्य कुमार यादव है। मैंने उन्हें पहले साल देखा था जब वह कोलकाता नाइट राइडर्स में शामिल हुए थे। दुनिया भर के दिग्गजों को अपनी गेंदों से दिन में तारे दिखाने वाले वसीम ने कहा, राइडर्स में उन्होंने नंबर 7 और 8 पर बल्लेबाजी करते हुए कुछ गेम खेले, उन्होंने कुछ शॉट खेले, यह एक असामान्य और मुश्किल शॉट है। अकरम सूर्य कुमार को पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया की हर टीम के लिए खतरा मानते हैं। अकरम ने कहा, जब से वह भारतीय टीम में आए हैं तब से और भी निखर गए हैं। मुझे लगता है कि वह स्पिन या तेज गेंदबाजों के खिलाफ एक बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी और वह वास्तव में 360 डिग्री खिलाड़ी है।